हजारीबाग प्लान इंटरनेशनल के सहयोग से चुरचू प्रखंड में नव भारत जागरी केंद्र संचालित बाल केंद्रीय समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाल अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। होटल कैनरी में प्रबंधक रंजन कुमार की ओर से स्वागतोपरांत बतौर संसाधन व्यक्ति त्रिभुवन शर्मा ने विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारी की सुरक्षा के सवाल पर आज मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या पोक्सो कानून जैसे चीजों को समझना जरूरी है। बच्चों के लिए जीवन, विकास, सुरक्षा और सहभागिता के अधिकारों की सुरक्षा में हमें देखना होगा ताकि उन्हें किसी प्रकार भी दबाव, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक मजबूरी, स्वास्थ्य समस्या, घरेलू हिंसा का सामना न करना पड़े। त्रिभुवन शर्मा ने ऐसे बच्चों के समूहों की जानकारी दी जो आसानी से अत्याचार के शिकार बन जाते हैं और उनके अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने पत्रकारों से अनुरोध किया कि बच्चों की गरिमा और निजता का ध्यान रखते हुए रिपोर्टिंग करें और उनके सर्वोत्तम हित का संज्ञान लेते हुए बाल मित्रवत तरीके से बच्चों के अंतिम पुनर्वास पर फोकस किया जाए। आवश्यकता हुई वर्कशॉप में सर, ये नवभारत जागृति केंद्र और प्लान का कार्यक्रम हजारीबाग जिले में चलता है। आज के कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि हजारीबाग जिले के जो मीडिया से जुड़े हुए हमारे मित्रगण हैं उनके साथ में एक बार बैठ करके चाइल्ड राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू पर बातचीत किया जाए, उनको बच्चों के संदर्भ में थोड़ा संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ें। चाइल्ड राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों को और उस कानून के आधार पर जो संस्थाएं चलती हैं उनका जानकारी दिया जाए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और बच्चों के लिए जो संसाधन सुविधाएं दिए जा रहे हैं इनको थोड़ा मीडिया पर्सन के साथ हम लोग शेयर कर सकें और जो कानून बने हुए हैं मीडिया सेक्टर के लिए, कुछ प्रतिबंधात्मक कानून बने हुए हैं, बच्चों के आइडेंटिटी और डिग्निटी को डिस्क्लोजर नहीं करना है, इन कानूनों पर थोड़ा अवेयर करना आज का हमारा उद्देश्य था और मीडिया पर्सन से जुड़ करके उनको बाल केंद्रित और बच्चों के अधिकार के संदर्भ में थोड़ा और अपनी लेखनी को थोड़ा महत्व दें। बच्चों के अधिकार और बच्चों से जुड़े हुए जो सूचनाएं और समाचार आते हैं उसमें प्रमुखता मिले और बच्चों की समस्याओं को उजागर कर बच्चों के पुनर्वास और उनको लाभान्वित करने के लिए उनको हम बाल केंद्रित व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, यही आज का प्रमुख उद्देश्य था। सर परिचय दीजिएगा। मेरा नाम त्रिभुवन शर्मा है, मैं बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सबसे भाग लेता हूँ। सभी